हेलो एवरीवन, आई एम यामिनी ठुकराल वेलकमिंग यू टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों, सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है और आज मैं लेके आई हूँ सीबीएसई टर्म 2 सैंपल पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजी क्लास 12। अब बच्चों, पढ़ते तो सभी है ना, सबके सब ही पढ़ते हैं, पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे बिना हम लोग कभी भी पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। सबको सब्जेक्टिवली सब कुछ आता होगा। अगर मैं बुक उठाऊं और मैं सबको बोलूं कि इसे रीड आउट करो, तो इजीली कोई भी इसे रीड आउट कर सकता है ना, और उसे बाय हार्ट हो जाएगा। बट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है, जिससे कि हम लोग जो है मैक्सिमम मार्क्स कम लिखने में ही स्कोर कर सकते हैं। काफी सारे बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे कि वो इतना लिख के आते हैं, फिर भी उनके मार्क्स उनसे कम आते हैं जो कि बहुत ही प्रिसाइज कंटेंट लिखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं, और उनको मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन की बात होती है। जरूरी नहीं है कि मगल अप करने से ही हमें सब कुछ आता है, हमें पेपर को, सब्जेक्टिव पेपर को स्पेशली प्रेजेंट करना आना चाहिए कि पॉइंट बाय पॉइंट जो है हम आंसर करें, है ना। और जैसे मेन जो पॉइंट्स है, मेन जो है टर्म्स है, हमारी कीवर्ड्स है, उनको हम लोग ब्लैक से लेबल कर दे या फिर बोल्ड कर दे या फिर अंडरलाइन कर दे। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर जो कि पेपर चेक कर रहा होता है ना, जो भी पेपर चेकर होता है, उसकी आंखों को एक ट्रीट मिल जाती है ना। जब हमारी आंखों को ट्रीट मिलती है तो हम लोग कितने खुश हो जाते हैं, तो वैसे ही पेपर चेकिंग के टाइम पे उसकी आंखों को ट्रीट होती है जब पेपर प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्म में होता है, पॉइंट्स के अंदर होता है, टू द पॉइंट आंसर होता है, फ्री फ्री जो है कहानियां नहीं दी हुई होती है। और वही जब आप दूसरे बच्चे को देखोगे जिसको हो सकता है ज्यादा आता हो, पर वो जो है पैराग्राफ्स के पैराग्राफ्स लिख के आ रहे विदाउट एनी मतलब मार्किंग के बिना, कि कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उन सब की मार्किंग के बिना अगर वो पैराग्राफ पैराग्राफ लिख रहा है, तो एग्जामिनर के लिए बहुत बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं। तो वही प्रेजेंटेशन के साथ मैं आज आपको सिखाऊंगी कि कैसे बायोलॉजी का पेपर जो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे इस सैंपल पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप की जब हम लोग बात करें, तो उसके साथ उसके लिए हमें करने होते हैं प्रैक्टिस करने होते हैं क्वेश्चंस, मतलब कंसेप्ट खत्म किया उसके साथ में, उसके जितने क्वेश्चंस मिले उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस करे जो नॉलेज है हमारी वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। और जब हम एग्जाम में बैठ जाते हैं सीधा रीड आउट करके, तो हमें क्वेश्चंस के आंसर समझ ही नहीं आते कि कैसे होंगे, क्योंकि हमने जो है क्वेश्चंस के तरीकों से प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो वो भी जो है हम अड्डा 24/7 स्कूल पे करते ही है। हर कंसेप्ट के बाद में एमसीक्यू क्वेश्चंस जरूर डालते हैं, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो पाए। तो आज हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं अपनी सैंपल पेपर डिस्कशन ऑफ टर्म 2 बायोलॉजी क्लास 12। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो है ये जनरल इंस्ट्रक्शंस वाला पेज दिखता है। जब भी हम पेपर खोलते हैं हमारे पास ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कितने मार्क्स का पेपर है, 35 मार्क्स का पेपर है, और टाइम कितना अलाउड है हमें, 2 आवर्स का, मतलब 120 मिनट्स हो गए। पेपर का कोड क्या है हमारा, 044। बायोलॉजी के पेपर का कोड क्या है, 044। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, All questions are compulsory. सारे ही questions को attempt करना है. Internal choices जो है वो given है इस paper के अंदर, पर हमें जो है सारे questions को ही attempt करना है. The question paper has 3 sections and 13 questions. Total कितने questions हुए? 13 questions हुए. And all questions they are compulsory. ऐसा नहीं है कि कुछ questions छोड़ने हैं या फिर 13 में से 10 attempt करने हैं, नहीं. Internally क्वेश्चंस के अंदर जो है आपको चॉइसेस दी हुई होंगी, पर टोटल इन टोटल अगर पेपर में 13 questions है, तो हमने 13 questions ही अटेम्प्ट करनी है। सेक्शन ए के अंदर कितने क्वेश्चंस है, सेक्शन ए के अंदर हमारे 6 questions है, जो कि 2 marks ईच है, तो 6 into 2 कितना हो गया सेक्शन ए, सेक्शन ए टोटल मार्क्स का हो गया हमारा 12। सेक्शन बी के अंदर फिर से 6 questions है और वो 3 marks के है, तो 6 into 3 सेक्शन बी के अंदर 18 marks का हो गया। एंड लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन सी, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है, वो एक ही क्वेश्चन है 5 marks का, उसमें ABCD करके 500। एंड देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, इंटरनल चॉइसेस दे हैव बीन प्रोवाइडेड एंड अ स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। ये नहीं कि दोनों के दोनों अटेम्प्ट कर दिए तो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अगर इंटरनल चॉइस दी है। वेयर एवर नेसेसरी नीट एंड प्रॉपरली लेबल डायग्राम शुड बी ड्रॉन। बायोलॉजी Which is the study of life. जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो क्या लाइफ बिना डायग्राम्स के होती है? ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स इस बार जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके अंदर डायग्राम्स की इतनी नेसेसिटी नहीं है, पर क्या बायोलॉजी बिना डायग्राम्स के होती है? नहीं होती ना। सो इसीलिए बोला गया कि जहां पे भी जरूरत हो हमें लेबल्ड नीट डायग्राम्स बनाने हैं।
बहुत ही आसान पेपर है, मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चंस कहे गए हैं, थोड़ा बहुत होगा जो थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, बट हम साथ के साथ जो है सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करती है। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमंस हैव इननेट इम्यूनिटी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजेंस दैट मे एंटर द गट अलोंग विद द फूड। गट के अंदर अगर माइक्रोब्स आ रहे हैं तो हमें ये बताना है कि इननेट इम्यूनिटी का कौन सा जो बैरियर है वो काम करेगा। सो व्हाट आर द टू बैरियर्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम सच पैथोजन। जब हम इननेट इम्यूनिटी की बात करते हैं, जब हम लोग इननेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इननेट इम्यूनिटी के अंदर क्या आता है, हमारे बैरियर्स आते हैं। कितने तरीके के बैरियर्स हम लोगों ने देखे थे, फोर देखे थे, है ना? तो हमें कोई भी जो है दो बताने हैं इसके अंदर। सो इसके अंदर जो प्रोवाइडेड आंसर, देखो कितने ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, माइक्रोबियल पैथोजेंस दे एंटर द गट ऑफ ह्यूमंस अलोंग विद द फूड। कोई भी माइक्रोब अगर बॉडी के अंदर आ रहा है तो वो फूड के साथ आ रहा है या फिर वाटर के साथ आ रहा है ना। सो इसमें जो है सबसे पहला सेंटेंस ही हमने ऐसा लिखना है कि जो माइक्रोबियल पैथोजेंस है वो गट के अंदर कंटामिनेटेड फूड और वाटर से आ रहे हैं। तो इसमें जो दो बैरियर्स डिस्क्राइब्ड है वो है फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर। सो फिजिकल बैरियर क्या है, हमारा जो म्यूकस होती है और जो स्किन होती है, ये हमारा फिजिकल बैरियर में आता है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट के अंदर उन्होंने डाला फिजिकल बैरियर, सेकंड पॉइंट के अंदर डाला फिजियोलॉजिकल बैरियर। फर्स्ट पॉइंट के अंदर जब मेन हेडिंग आ गई हमारी फिजिकल बैरियर की, हम इसे या तो ब्लैक पेन से लिखेंगे या फिर अंडरलाइन कर देंगे। तो फिजिकल बैरियर क्या होते हैं, दे आर द म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथीलियम। फिजिकल बैरियर की हम जब बात करें तो वो क्या होती है, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथीलियम, जो कि अंदर से गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को कोट कर रहा है। वो क्या करता है, म्यूकस के अंदर आके हमारा पैथोजन ऐसे फंस जाता है और वो बॉडी से ऐसे कर करके उसे बाहर निकाल देता है। तो वही लिखा है, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथीलियम लाइनिंग द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग द माइक्रोब्स दैट आर एंटरिंग इन द बॉडी। एक मार्क मिल गया एक का। एंड नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि अगर गट के अंदर एंटर कर रहा है तो स्टमक का कैसा पीएच होता है, हमारा एसिडिक पीएच होता है। कितना होता है, पीएच इज इक्वल टू 1.8, इतना होता है ना हमारा। कितना ज्यादा एसिडिक होता है तो क्या माइक्रोब इसमें सर्वाइव कर पाएगा, नहीं। सो द एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, दे ऑल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो हमने जो है दोनों बैरियर्स बता दिए एक एक पॉइंट में। ऐसे ही हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हमने एक ही पैराग्राफ के अंदर नहीं लिख देना है, पॉइंट वाइज लिखना है, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट वाइज लिखना है, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट एडमिटेड इन आईसीयू वाज डायग्नोस्ड टू हैव सफर्ड फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो द कंडीशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी इट इज डिपिक्टेड इन द इमेज। ठीक है, हमें कोरोनरी आर्टरी की इमेज बताई गई है। जो पेशेंट है वो आईसीयू के अंदर एडमिट हुआ था और उसके अंदर क्या हुआ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो हमने दो बायो एक्टिव एजेंट्स बताने हैं और उनका मोड ऑफ एक्शन बताना है जो कि इम्प्रूव कर सकते हैं एक कंडीशन को। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए हमें क्लॉट बस्टर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना? बिना फोटो को देखे मैं फिर भी इसको आंसर कर सकती हूँ क्योंकि इसके अंदर दिया है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है और कोरोनरी आर्टरी का ये हमें दिया हुआ है। इसके अंदर देखो क्लॉट डिपिक्ट किया गया है, अगर क्लॉट नहीं भी होता तो हमें पता चल जाता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब है ब्लड के अंदर क्लॉट बन रहे हैं, तो क्लॉट जैसे इसके अंदर दर्शाया गया है तो हमें क्लॉट जो है डिस्टर्ब, जो हमें क्लॉट डिस्ट्रॉयर चाहिए, है ना, क्लॉट बस्टर चाहिए। तो कौन से दो बायो एक्टिव एजेंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, सबसे पहला था हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो कि कौन सा बैक्टीरियम प्रोड्यूस करता है, हमारा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। क्लॉट बस्टर्स कौन कौन से देखते हो, स्ट्रेप्टोकाइनेस और स्टैटिन, ये दो चीजें थी, है ना, मैंने आप दोनों को बताई थी, दोनों चीजें सबको बताई थी कि क्या होती है। तो कितना इजी क्वेश्चन है कि उन्होंने इमेज दे दी और उन्होंने बोला इसमें से देख लो, और इमेज के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि क्लॉट है ना, इमेज के अंदर साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि क्लॉट है। बच्चों को कितना हिंट दे दिया। तो दो जो बायो एक्टिव एजेंट्स है वो यूज होंगे, एक तो हमारा होगा स्ट्रेप्टोकाइनेस, दूसरा होगा स्टैटिन। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेस लिखेंगे बोल्ड करके, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड इट इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग द क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल। ये बेसिकली किस लिए यूज होता है, टू रिमूव द क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट दैट माइट हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन।
और दूसरा पॉइंट में हम डालेंगे स्टैटिन, जिसको हम बोल्ड करेंगे और लिखेंगे प्रोड्यूस बाय द यीस्ट मोनेस्कस परप्यूरस एंड टैक्स एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. तो कौन से दो एजेंट है हमारे? स्टैटिन एंड स्ट्रेप्टोकाइनेस. यहां तक क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 13 questions है पूरे, 13 questions पूरे, और हमने सारे के सारे questions करने हैं. इंटरनल choices वाले questions हम दोनों के दोनों यहाँ पे करेंगे. पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे हम इंटरनल choices दोनों क्वेश्चन करेंगे. ठीक है? सो इसमें देखो आगे इंटरनल चॉइस. सो सब्सटैंशिएट बाय गिविंग टू रीजन एज टू व्हाई होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लोरा एंड फौना द क्रॉपलैंड इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एन एप्रोप्रिएट बायो कंट्रोल मेथड. हमने बताना है, दो रीजंस देने हैं कि क्यों हम लोग होलिस्टिक अप्रोच को करते हैं पहले कंसिडर, बिफोर एम्प्लॉइंग एनी बायो कंट्रोल मेथड इन द क्रॉप फील्ड. बायो कंट्रोल मेथड को डाल, मतलब किसी भी बायो कंट्रोल एजेंट या फिर मेथड को इनकॉर्पोरेट करने से पहले हमें जो है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फ्लोरा और फौना की. ऐसा क्यों? फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे, पहला पॉइंट और दो पॉइंट के अंदर हमने बताना है. बच्चों जैसे क्वेश्चन बोले वैसे ही करना है. अगर उन्होंने दो रीजन बोले हैं तो दो पॉइंट बना लो अलग अलग और दोनों के अंदर अलग अलग एक्सप्लेन कर दो. बस ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 2 marks का क्वेश्चन है, 2 points मोर देन इनफ है. सो इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट, दे विल डिसरप्ट प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप वेयर बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट्स विच डिपेंड अपॉन द फ्लोरा एंड फौना एज फूड और होस्ट मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव. तो हमने क्या करना है, अगर हम लोग पेस्ट को इराडिकेट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप को हटा देगा. क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, एक बेनिफिशियल प्रेडेटर जो है पैरासिटिक इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि अल्टीमेटली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है एज फूड और एज होस्ट. सो वो भी फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो ये क्या करेगा, एक तरीके से फूड चेन को डिस्टरप्ट करेगा. तो ये फूड चेन डिस्टरप्ट ना हो इसलिए हमें होलिस्टिक जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट, होलिस्टिक अप्रोच अश्योर्स दैट वेरियस लाइफ फॉर्म्स दैट इनहैबिट द फील्ड देयर लाइफ साइकिल्स पैटर्न्स ऑफ फीडिंग एंड द हैबिटेट्स दैट दे प्रेफर आर एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड कंसिडर्ड. जैसे कि मैंने बताया, उनकी लाइफ साइकिल को देखने के लिए, समझने के लिए जो है हमारे पास होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. कौन सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसके अंदर हम लोग ये देख सकते हैं कि उस फील्ड के ऊपर कितने जो है फ्लोरा और फौना डिपेंडेंट है, उनकी लाइफ साइकिल्स क्या है, उनके हैबिटेट क्या है, उसको अच्छे से स्टडी होना चाहिए. उसके बाद में जो है हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स को स्प्रे करेंगे. तो इसलिए हमारी जो है होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए. ये रहा ऑप्शन वन, ये रहा सॉरी स्टेप वन एंड स्टेप टू. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन थ्री. तो क्वेश्चन थ्री क्या है? आइडेंटिफाई द कंपाउंड केमिकल स्ट्रक्चर इट इज शोन बिलो, स्टेट एनी थ्री ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये हमने किसमें देखा था? ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज. ये उस चैप्टर का क्वेश्चन आ गया ना. तो इसके अंदर हमें बताना है कि केमिकल स्ट्रक्चर किसका है, कौन सा जो केमिकल, जो कौन सा कंपाउंड है जिसका ये वाला केमिकल स्ट्रक्चर है. तो बच्चों केमिकल स्ट्रक्चर है ये हमारा मॉर्फीन का. पहले पॉइंट में हम डालेंगे इट इज मॉर्फीन. बस आधा मार्क में वहीं पे मिल गया. दूसरे पॉइंट में हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डालनी है. तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है. दैट्स ऑल. यही दो पॉइंटर्स के अंदर हमने आंसर देना है. बच्चों जो 2 marks के क्वेश्चन होते हैं, 2 markers जो होते हैं उसके अंदर 2 points आर इनफ, उनके लिए 2 points आर इनफ. पर 2 point बने होने चाहिए. ये नहीं है कि एक पैराग्राफ बड़ा सा लिख दिया और एक्सपेक्ट करो कि 2 के 2 पूरे मिल जाएंगे. नहीं, उसमें आधा नंबर जरूर काटेंगे प्रेजेंटेशन का. तो हमने क्या करना है, 2 marks है तो 2 point बना लेने और उन्हीं पॉइंट्स के अंदर जो है लिखना है. और देखो हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चंस देखे, 3 questions देखे ना, तो 3 questions के अंदर हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चंस के पार्ट भी है, तो बहुत इजीली हो जाता है कि पॉइंट बन जाते हैं ना. सो केमिकल स्ट्रक्चर ही किसका है, मॉर्फीन का है, और ये क्या होता है, वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, बहुत इजीली समझ आ जाएगा. सो वाटर सैंपल्स दे वर कलेक्टेड एट पॉइंट ए बी एंड सी इन अ सेगमेंट ऑफ रिवर नियर अ शुगर फैक्ट्री. ए बी और सी पे हमने जो है वाटर सैंपल्स को कलेक्ट किया जो कि एक शुगर फैक्ट्री से निकल रहे. सो द बीओडी लेवल्स ऑफ ए बी एंड सी वर 400 mg/L, 480 mg/L एंड 8 mg/L. सो वॉट इज दिस इंडिकेटिव ऑफ
explain why the BOD gets reduced considerably at the collection point. See, दो पॉइंट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, दो पार्ट के अंदर पूछा गया, हम दो ही पॉइंट के अंदर आंसर करेंगे. हमने जो है पैराग्राफ नहीं लिखना. अगर दो पार्ट के अंदर क्वेश्चन है तो ए और बी लिख दो, या फिर वन और टू लिख दो, या फिर बुलेट पॉइंट डाल दो, पर दो पॉइंट बनाने हैं. या फिर तुम ये वाला भी रोमन न्यूमरल भी डाल सकते हो. तो ऐसे जो है ये पॉइंट हम लोग बना सकते हैं. ठीक है, ऐसे जो है हम लोग ये वाले पॉइंट्स बना सकते हैं. तो हमने बताना कि ए और बी जब शुगर के पास है तो इनके अंदर बीओडी लेवल देखो ज्यादा है, और सी में क्या है, बीओडी लेवल कम है. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये कब होता है कि जब जो है इफ्लुएंट के अंदर पॉल्यूटेड हो, इफ्लुएंट जो है पॉल्यूटेड हो. तो एट द कलेक्शन पॉइंट्स ए एंड बी, जब हम ए और बी के बीओडी लेवल देखते हैं तो ये क्या था 400 mg पर लीटर, mg पर डीएल, और ये क्या था 480, है ना, mg पर डीएल. तो जो बीओडी लेवल है इट इज हाई ड्यू टू हाई ऑर्गेनिक पोल्यूशन, क्योंकि उसी टाइम वो वाटर जो है फैक्ट्री से निकला है ना, उसी टाइम वो वाटर जो है फैक्ट्री से निकला है, और उसके अंदर कितना होगा, हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन होगा, हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन होगा, हाई ऑर्गेनिक पोल्यूशन होगा, तभी जो है इनका बीओडी लेवल ज्यादा है. और जब जो शुगर फैक्ट्री एंड सीवेज डिस्चार्ज दोनों मिल रहे हैं, इसलिए ए और बी में है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. सो एट द कलेक्शन पॉइंट सी द वाटर वॉज रिलीज आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है. अगर हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें, अगर हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें तो कितने स्टेप्स में होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ठीक है, तो जब हम इस फिगर को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि शुगर फैक्ट्री से डायरेक्टली ए और बी पॉइंट जो निकल रहे हैं, जो पानी निकल रहा है, जो डिस्चार्ज है, उससे हमने ले लिया, मतलब बिना प्राइमरी और बिना सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुए. पर उसके बाद में जो है यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ और इसके अंदर सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गई. ये तीन ही प्रोसेस होते हैं ना वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के, वेस्ट वाटर प्रोसेसिंग के. तो जब ए और बी के अंदर कोई हमारी जो है ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं तो ये बिल्कुल नाइव है, इसलिए इनके अंदर बीओडी ज्यादा है. पर वही हम देखते हैं कि सी के अंदर सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गई, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गई, तभी उसके अंदर बीओडी कम है. सो वेयर विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स, दे कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द रिवर वाटर और द फ्लुएंट ड्यू टू शुगर फैक्ट्री और सीवेज डिस्चार्ज. अब पॉइंट सी के अंदर बीओडी कम क्यों है, क्योंकि जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स है वो ऑलरेडी वो जो था क्या बोलते हैं, जो भी मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था उसे कंज्यूम कर चुके हैं और वाटर को साफ कर चुके हैं, इसलिए पॉइंट सी के अंदर कौन सा था, 8 mg/dL, यही था ना, यही था ना. तो इससे हमें पता चल जाता है कि ए और बी पॉइंट जो फैक्ट्री से एकदम से निकले हैं वो बिना ट्रीटमेंट हुए, उनके अंदर बीओडी लेवल इतना ज्यादा है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इकोलॉजिस्ट स्टडीज एन एरिया विद पॉपुलेशन ए विच इज थ्राइविंग ऑन अनलिमिटेड रिसोर्सेज. पॉपुलेशन ए जो है वो थ्राइव कर रही है ऑन अनलिमिटेड रिसोर्सेज. बच्चों क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसके की पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर लिया करो पेंसिल से, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेंसिल लिखना कुछ भी अलाउड नहीं होता. तो पेंसिल से आप इसे मार्क कर सकते हो जो जो की पॉइंट्स है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे. एंड इट शोज अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इंट्रोड्यूस पॉपुलेशन बी एंड सी टू द सेम एरिया, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ए बी एंड सी व्हेन लिविंग टुगेदर इन द सेम हैबिटेट. एक पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ए, जो कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ है. उसी के अंदर हमने पॉपुलेशन बी और सी को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा, कंपटीशन होगा. जब एक जगह पे कोई एक रह रहा है और वहां से दो और तीन भी आ जाए तो वो लड़ने लगेंगे कि हमारी जगह है, हमें खाना चाहिए. दूसरा तीसरा बोलेगा मेरी जगह है, मुझे खाना चाहिए. तो क्या हो जाएगा, दिस इंटरेक्शन विल लीड टू कॉम्पिटिशन. एक दूसरे से कंपीट करने लग जाएंगे रिसोर्सेज के लिए बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन ए बी एंड सी फॉर द रिसोर्सेज. और इवेंचुअली कौन सर्वाइव करता है, जो कि फिटेस्ट इंडिविजुअल होता है. जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वो सर्वाइव करेगा और वो ही आगे रिप्रोड्यूस करेगा. जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वो ही सर्वाइव करेगा और वो रिप्रोड्यूस करेगा. फिटेस्ट मतलब जो हाईली अडाप्टेड होगा, हाईली अडाप्टेड होगा वो ही सर्वाइव करेगा और वो ही आगे रिप्रोड्यूस करेगा. सो द रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ will become finite and limiting and the population growth will become realistic. Realistic population growth कौन सी होती है हमारी, logistic growth. दो तरीके के growth pattern होते हैं, exponential and logistic. जब exponential के अंदर competition हो रहा है तो resources अपने आप को finite कर लेंगे, limit कर लेंगे, तो जो हमारा growth होगा वो क्या होगी, more realistic हो जाएगी, यानी logistic हो जाएगी, है ना, sigmoid shape growth का हो जाएगा. Clear?
क्लियर है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ अ फिग स्पीशीज इट वॉज नोटिस दैट द पॉपुलेशन ऑफ वैस स्पीशीज इट ऑल्सो स्टार्टेड टू डिक्लाइन. फिग और वॉस्प कैसा रिलेशनशिप शो करते हैं पहले तो मुझे ये बताओ. वॉस्प जो है फिग के ऊपर रहता है, ये किसके अंदर एग्जाम्पल होता है हमारा म्यूचुअलिज्म के अंदर. किसके अंदर? म्यूचुअलिज्म के अंदर, मतलब दोनों के दोनों जो है साथ में एसोसिएटेड रहते हैं. सो वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंड वॉट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ द वास्प. फिग और वास्प के अंदर क्या होता है? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, या फिर हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन. कई लोग म्यूचुअलिस्टिक बोलेंगे, कई लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलेंगे, है ना? यही होता है ना. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट एंड द पॉलिनेटर, जो फिग है वो क्या है? हमारा प्लांट है, और उसको पॉलिनेट कौन करवाता है? पॉलिनेटर कौन है हमारा? वैस्प है. तो प्लांट और पॉलिनेटर के बीच में हमेशा से एक ही रिलेशनशिप रहा है, जो कि है म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन. सो द फिग इट डिपेंड्स ऑन द वास्प फॉर पॉलिनेशन. जैसे कि मैंने बताया, फिग जो है वॉस्प पे डिपेंड करता है पॉलिनेशन के लिए, और वॉस्प जो है फिग पे डिपेंड करता है फॉर फूड एंड शेल्टर. अगर फिग की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई तो वॉस्प जो है अपना सोर्स ऑफ फूड लूज कर देगा, इसलिए सोर्स ऑफ फूड और शेल्टर लूज कर देगा, और वो जो है उसकी भी पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगी. तो आप देख रहे हो कितना ही प्यारा रिलेशनशिप है, कि जिसके अंदर दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, है ना. दोनों के दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, और फिग के ऊपर वॉस्प डिपेंडेंट है खाने के लिए, शेल्टर के लिए. जैसे ही फिग डिक्लाइन करने लगेगा, वॉस्प की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो जाएगी. तो बच्चों म्यूचुअलिज्म के अंदर यही होता है, म्यूचुअलिज्म के अंदर यही होता है. एक और एग्जाम्पल है हमारा लाइकेंस का, ये भी हमारे म्यूचुअलिस्टिक म्यूचुअलिज्म होता है, और माइकोराइजा का, और माइकोराइजा का. इसमें फंगस जो है लाइकेंस के अंदर एसोसिएटेड होती है विद द ग्रीन एल्गी, और माइकोराइजा के अंदर फंगस जो एसोसिएटेड होती है विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो विद द इंक्रीज इन द ग्लोबल, ये हमारा और वाला क्वेश्चन है, सिक्स्थ का ही जो है इंटरनल चॉइस दी गई है. सो विद द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर द इनहैबिटेंट्स ऑफ अंटार्क्टिका आर फेसिंग फ्लक्चुएशंस इन द टेम्परेचर. अंटार्क्टिका के जो वो है इनहैबिटेंट्स है, वो फ्लक्चुएशंस जो है फेस कर रहे हैं. सो आउट ऑफ द रेगुलेटर्स एंड द कन्फर्मर्स विच ऑफ द टू विल हैव द बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, गिव टू अडेप्टेशंस दैट सपोर्ट देम टू सर्वाइव इन द एम्बियंट एनवायरमेंट, गिव वन सूटेबल एग्जाम्पल. रेगुलेटर्स या फिर कन्फर्मर्स, उन दोनों में से कौन सर्वाइव करेंगे? बच्चों जो रेगुलेट कर पाएगा वो ही सर्वाइव करेगा. तो रेगुलेटर्स हमारे फर्स्ट पॉइंट के अंदर आ गया. रेगुलेटर्स आप इसको जो है आगे डिफाइन कर सकते हो इस वाले पॉइंट में, एक लाइन में डिफाइन कर देना, ठीक है. उसके बाद वो कैसे जो है रेगुलेट कर पाएंगे अपना बॉडी टेम्परेचर? बाय दी थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेंगे. बाय दी इंटरनल मैकेनिज्म, जैसे कि ही स्वेटिंग हो गया, शिवरिंग हो गया, उससे जो है हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बाहर की तरीके से अडाप्ट हो जाता है. बाहर से मतलब बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं होता, बाहर का जैसे इन्वायरमेंट होगा, बट वो अंदर का टेम्परेचर अपना मेंटेन कर लेता है बाय शिवरिंग, जिसके अंदर हीट लॉस होता है. सर्दियों में तो हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, और स्वेटिंग की जब गर्मियाँ होती है, स्वेट हमारी बाहर आती है, तो जब हवा उसके बाईपास करती है तो हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है. तो ये दोनों चीज़ों से जो है थर्मोरेगुलेशन होगा, और ऑस्मोरेगुलेशन दैट इज द मतलब वाटर लेवल्स को रेगुलेट करके. सो रेगुलेटर्स जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे. नेक्स्ट पार्ट का आंसर है थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, इसको भी आप लोग डिफाइन कर देना. और एग्जांपल क्या है हमारे? बर्ड्स और मैमल्स. ये जो है हम लोग अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कर लेते हैं ना, तो होमियोथर्म्स बोलेंगे उनको, होमियोथर्म्स, वार्म ब्लडेड, ये हम लोगों को बोलते हैं ना, जो कि अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ दी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, है ना. तो हम लोग भी होमियोथर्म्स के अंदर ही आते हैं, तो इसलिए मैमल्स या फिर बर्ड्स इसका एग्जांपल है, जो कि हर कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. तो ये हमारा आ गया थर्ड पॉइंट. ऐसे ही पॉइंट वाइज जो है हमने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है, ऐसे ही पॉइंट वाइज हमने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है.
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम मूव करते हैं सेक्शन बी पे, जिसमें अब जो 6 क्वेश्चंस हैं वो क्या कैरी करेंगे, कैरी करेंगे 3 मार्क्स ईच. सो 7th क्वेश्चन है, हाउ डू नॉर्मल सेल्स दे गेट ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स, इलैबोरेट गिविंग 3 एग्जांपल्स ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट. इसमें इंटरनल चॉइस है हमारे पास, और वाला क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जो है पहले वाले का आंसर देख लेते हैं. सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स नियोप्लास्टिक सेल्स, दे मे बी इंड्यूस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल और द बायोलॉजिकल एजेंट्स. तीनों जो एजेंट्स हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, वो क्या काम करते हैं, डीएनए डैमेज का काम करते हैं. फर्स्ट इसके अंदर आती है हमारी आयनाइजिंग रेडिएशंस, विच आर दी एक्स रेज एंड दी गामा रेज. आयनाइजिंग रेडिएशंस आती है एक्स रेज, गामा रेज, अगर बॉडी उनसे जो है एक्सपोज हो जाए तो वो हमारे जो है कैंसरस सेल्स की ग्रोथ में मदद करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, जो की है हमारी यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. नेक्स्ट क्या है हमारी यूवी, जो कि है हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. नेक्स्ट है हमारा केमिकल कार्सिनोजेंस, जो कि टोबैको के अंदर मौजूद होते हैं, वो भी जो है कैंसरस सेल्स में चेंज करने में मदद करते हैं. सेलुलर ऑन्कोजीन्स, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन्स या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स, वो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, पर वो एक्टिवेट किसके अंदर होते हैं, अंडर सर्टेन कंडीशंस विच कैन कॉज कैंसर. So the viruses with oncogenes, they can transform the normal cells into the cancerous cells. हमारे अंदर already जो है proto-oncogenes और cellular oncogenes मौजूद होते हैं, जो कि cancerous cells के precursor होते हैं. अगर इनमें से कोई भी radiation या फिर chemical carcinogen या फिर कोई virus जो है आ जाए, वो हमारे cells को transform कर देगा into cancerous cells. So these are the ways by which normal cells, they can be transformed into the cancerous cells. So the next, like internal choice wala aur wala question hai hamara, a person is suffering from a high grade fever. Ek person jo hai usko high grade fever hai. Which symptoms will help to identify that if he or she is suffering from typhoid, pneumonia, malaria. So humne teenon ke jo hai symptoms batane hai. Typhoid, pneumonia aur malaria ke humne symptoms batane hai. So if the person has sustained high fever, अगर sustained high fever है, weakness है, constipation है, stomach pain है, headache है, appetite lose हो रहा है, तो उसे क्या है, typhoid है, उसे typhoid है. बच्चों अब ये तीन जो पूछे गए, इन तीनों को एक एक point के अंदर हम लोग लिख देंगे, typhoid का, pneumonia का और malaria. ऐसे तीन पॉइंट बनाएंगे और तीनों के बारे में तीन पॉइंट में लिख देंगे, बस. पैराग्राफ राइटिंग नहीं करनी है, पॉइंट वाइज राइटिंग करनी है अगर सब्जेक्टिव होता है. वैसे तो अभी डिलेमा में ही है सब, कि सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा. ठीक है, तो अब पर हमने तो तैयारी दोनों की करनी है. तो जब हम लोग टाइफाइड की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा सस्टेन्ड हाई फीवर रहता है, वीकनेस होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टमक एक, कॉन्स्टिपेशन और हेडेक होता है. ठीक है, अगर हम लोग निमोनिया की बात करें तो उसके अंदर क्या आते हैं, हमारे फीवर होता है, चिल्स होते हैं, कफ होती है, हेडेक होते हैं, और लिप्स और जो फिंगर नेल्स है वो हमारे ग्रे से ब्लूइश हो जाते हैं. ठंड की वजह से कई लोगों का आपने सुना है कि नेल्स ब्लू हो जाते हैं, वो ही हमारा जो निमोनिया के अंदर दिखता है, कि जो हमारे ग्रे नेल्स होते हैं वो ब्लू हो जाते हैं, चिल्स होती है, कफ, हेडेक, ये सारी की सारी चीजें अगर है तो वो निमोनिया है. नेक्स्ट, मलेरिया के क्या होते हैं, जो चिल्स और हाई फीवर है वो हर 3 से 4 दिन में आते हैं. जो चिल्स और हाई फीवर है वो 3 से 4 दिन में रिकरिंग है. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ हीमोजोइन, है ना, यही होता है ना, जो आरबीसी से सिक्रीट होता है, इन्फेक्टेड आरबीसी से ये जो है केमिकल सिक्रीट होता है, जो कि क्या करता है, हर 3 से 4 दिन में चिल्स देता है और 3 से 4 दिन में फीवर आता है. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मलेरिया के सिम्टम्स है. तो तीनों के सिम्टम्स हमें पता चल गए हैं अच्छे से, तीनों के सिम्टम्स पता चल गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ अ पैथोजन और एक्सपोजर टू अ पैथोजन अकर्स ड्यूरिंग मेनी टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज इंक्लूडिंग एक्टिव इम्यूनिटी एंड इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी. So specify the types of responses elicited when human beings they are encountered by a pathogen. हमें जो है इसके अंदर types of immune responses बताने हैं कि कौन कौन से होते हैं जब भी हमारी body एक pathogen को encounter करती है.
So when our body encounters an antigenic protein or a pathogen for the first time, वो सबसे पहले जो है एक low intensity का response generate करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, primary response. वो low intensity का जो response होता है हमारा, होता है क्या, primary response होता है. कि कोई भी pathogen body में आया पहली बारी, तो वो बॉडी के लिए नया है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा पहचानने में. उसके बाद उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बनाएगा, तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहता है जो फर्स्ट टाइम के लिए रहता है. फिर उसके बाद में बॉडी उसे जो है याद कर लेती है ना. तो याद करने के बाद वो पैथोजन दोबारा आया कि चलो आज मैं इनकी बॉडी में दोबारा होके आता हूं, तो क्या होगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जाएगा, जो कि बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट होगा और बहुत ही एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होगा. वो पैथोजन को ज्यादा इन्फेक्ट ही नहीं करने देगा. जैसे कि हमारे घर में जब पहली बारी कोई आता है, हम लोग उसे बात करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब वो हमसे मिलते हैं कितने फेमिलियर हो जाते हैं. तो वैसे ही पैथोजन बॉडी के साथ वैसे ही रहता है, कि पैथोजन पहले दिन गेस्ट बन के आया तो उसके साथ थोड़ा टाइम लगा बातचीत करने में, पर जब वो दूसरी बारी आया वो बातचीत इतनी तेज हुई कि पैथोजन दोबारा घर नहीं आ पाया. तुम लोगों ने अपने गेस्ट के साथ ऐसे नहीं करना है कि हाँ पैथोजन समझ के उनको भगा दो, नहीं नहीं. तो व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स एन एंटीजेनिक प्रोटीन और अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है जो कि लो इंटेंसिटी का होता है, और उसके बाद में बॉडी जो है मेमोरी बना लेती है फॉर द फर्स्ट एनकाउंटर की, वो जो है एक मेमोरी बना लेती है. द सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इट अलाउज अ हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स, जिसको मैंने क्या बोला, सेकेंडरी रिस्पॉन्स. जिसको मैंने क्या बोला, सेकेंडरी रिस्पॉन्स. बच्चों ये जो है ना, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ सेकेंडरी, पेपर में ऐसे नहीं लिखना है, पेपर में प्रॉपर ऐसे सेकेंडरी लिखना है, पेपर में प्रॉपर ऐसे सेकेंडरी लिखना है, ठीक है. ये मैं शॉर्ट में तुम्हें समझाने के लिए सेकेंडरी लिख रही हूँ. सो कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स. जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो किसकी मदद से होता है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. सो बी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन्स की आर्मी प्रोड्यूस करते हैं जो कि पैथोजन के अगेंस्ट बनती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं. सो द बी लिम्फोसाइट्स दे प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू दीज पैथोजेंस इन टू अवर ब्लड टू फाइट विद देम, एंड दीज प्रोटीन्स दे आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज. द टी सेल्स दे डू नॉट देमसेल्स सीक्रेट द एंटीबॉडीज, बट वो बी सेल्स को मदद करती है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए. तो टी सेल्स का इनडायरेक्टली रोल प्ले होता है, क्योंकि वो फैक्ट्री को बनाने, मतलब फैक्ट्री की मदद कर रही है कि वो जो है आगे प्रोडक्ट बनाए, है ना, कौन सा प्रोडक्ट, एंटीबॉडीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पैथोलॉजिकल लैब अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दे वर अंडरटेकन फॉर फाइंडिंग आउट द जीन ऑफ इंटरेस्ट. एक पैथोलॉजिकल लैब के अंदर बहुत सारे स्टेप्स जो थे वो लिए गए थे टू फाइंड द जीन ऑफ इंटरेस्ट. सो डिस्क्राइब द स्टेप्स और मेक अ फ्लो चार्ट शोइंग द प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑफ दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट. जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है, अगर हमें उसका छोटा सा टुकड़ा मिल जाए, हमें क्या करना होता है, उसको एम्पलीफाई करना होता है, एम्पलीफाई करना होता है, उसको पॉलीमराइज करना होता है ना, उसकी जो है छोटी सी कॉपी से बहुत ज्यादा बड़ी कॉपी बनानी होती है, ठीक है. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ये क्या करता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर हमें छोटा सा पार्ट मिला है, उसे उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने में मदद करता है इन बल्क, पीसीआर. पुलिस कंट्रोल रूम मत सुनना, पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सो द फ्लो चार्ट शोज द थ्री स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर. सबसे पहला होता है हमारा डीनेचुरेशन. सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है हमारा डीनेचुरेशन का, जिसमें जो डीएनए स्ट्रैंड्स है, जो डीएनए हमें ऑब्टेन हुआ है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, अलग होते हैं, और उनको कौन से कितने टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, 94 डिग्री सेल्सियस पे. तो डीनेचर करते हैं, तो बेसिकली जो स्ट्रैंड्स है उनको डीनेचर करके उनको ओपन अप करते हैं, है ना, जिससे कि स्ट्रैंड्स जो है वो सेपरेट हो जाए, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है डीनेचुरेशन. दूसरा हमारा अनीलिंग. अनीलिंग में क्या होता है, जो प्राइमर्स है वो एड ऑन होते हैं ऑन ईच ऑफ द स्ट्रैंड. हर स्ट्रैंड के साथ एक एक प्राइमर एड हो जाता है, जिससे कि जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आगे से बन जाए. और लास्ट होता है एक्सटेंशन, जैसे कि इसका नाम बताता है एक्सटेंड करना. एक्सटेंशन जैसे कि इसका नाम बताता है एक्सटेंड करना. तो एक्सटेंशन में क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो फैसिलिटेट करता है एक्सटेंशन ऑफ दी स्ट्रैंड. जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को प्राइमर्स के साथ एड ऑन करता चला जाता है और स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर देता है. तो तीन स्टेप कौन कौन से हमारे, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन.
सो ये जो है हम इसको इस वे में फ्लो चार्ट को बनाएंगे. इसमें जो है हम रीजन टू बी एम्पलीफाइड को देखेंगे, फिर डी नेचर किया, दोनों जगह पे जो है प्राइमर्स दिखा दिए ऐड करे हुए, फिर उसके बाद में जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है वो हमारा कौन सा होता है, टैक पॉल या टैक पॉलीमरेज. क्यों हमें चाहिए होता है, देखो बच्चों इसमें ना हमने हाई हीट देनी होती है, 94 डिग्री सेल्सियस की हीट देनी होती है. तो अगर कोई भी नॉर्मल पॉलीमरेज होगा, कोई भी एंजाइम होगा एक्स वाई जेड, वो डी नेचर हो जाएगा, है ना, हाई टेम्परेचर पे डी नेचर हो जाता है. तो हमें वो चाहिए कि वो वाला एंजाइम जो कि हमारा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करे और एफिशिएंटली काम करे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एफिशिएंटली काम करे. तो टैग पॉल जो कि थर्मस एक्वेटिकस प्लांट से हमने एक्सट्रैक्ट किया है, ये जो है हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड करता है और ये डीनेचर नहीं होता है जब डीएनए स्ट्रैंड्स डीनेचर हो रहे हैं. तो यही टैग पॉल क्या करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स को एक्सटेंड कर देगा और 30 साइकिल्स के बाद हमारे अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम्स जो हमारा ओरिजिनल डीएनए था उतना बन जाता है. तो ये है हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, द ईविल क्वार्टेट डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, एक्सप्लेन हाउ द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट्स. हमने ये पढ़ा, ये देखा है ना ईविल क्वार्टेट रूल जो होता है, कौन से चैप्टर में है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर है, एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है. और मैं भी इसे कवर करूंगी अपनी वीडियोस में, तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके इसे देख पाएंगे. अभी जो है चैप्टर्स चल रहे हैं हमारे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चल रहा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस कंप्लीट हो गया है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चल रहा है, उसके बाद बायोटेक होगा और लास्ट में हम ये वाले चैप्टर्स उठाएंगे क्योंकि बहुत ईजी है. ठीक है, सो पहले पार्ट ए का आंसर देख लेते हैं. तो व्हेन अ लार्ज हैबिटेट इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, एक बड़ा हैबिटेट है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में वो हो गया, तो जो मैमल्स और बर्ड्स को वो बड़ा हैबिटेट चाहिए था उनका तो हैबिटेट लॉस हो गया ना, उनका हैबिटेट लॉस हो गया. और जो एनिमल्स है जिनके अंदर माइग्रेटरी हैबिटेट होते हैं उनका बैडली अफेक्ट हुआ और पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई, क्योंकि कई कई एनिमल्स और बर्ड्स को ज्यादा एरिया चाहिए होता है एज देयर हैबिटेट, है ना, एनिमल्स और बर्ड्स को ज्यादा एरिया चाहिए होता है एज हैबिटेट. तो अगर हम उस हैबिटेट को ही तोड़ देंगे छोटे छोटे पार्ट्स में तो क्या होगा, उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा और पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी. नेक्स्ट पार्ट बी, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज हैज लेड टू एनवायरमेंटल डैमेज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनियस स्पीशीज, सो गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इट हैज अफेक्टेड द इंडिजिनियस स्पीशीज. तो एलियन स्पीशीज का क्या इफेक्ट रहता है इंडिजिनियस स्पीशीज पे, एग्जाम्पल जैसे कि हम देते हैं नाइल पर्च का, नाइल पर्च किसमें इंट्रोड्यूस की गई थी, लेक विक्टोरिया के अंदर, जो कि जो वहाँ की इंडिजिनस स्पीशीज थी किकलिड, किकलिड फिश जो थी उसको उसने एक्सटिंक्ट कर दिया, 200 स्पीशीज किकलिड फिश की उसको एक्सटिंक्ट कर दी. क्या थी हमारी जो एक्सोटिक स्पीशीज इंट्रोड्यूस की गई थी नाइल पर्च, किसमें, लेक विक्टोरिया में. नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है जो पार्थेनियम है, जो वाटर हयासिंथ है, विच कॉज द एनवायरमेंटल डैमेज और जो नेटिव स्पीशीज है उसको भी वो कर रहा है. तो ये क्या है हमारी पार्थेनियम या फिर वाटर हयासिंथ, लैंटाना, ये क्या है हमारी इन्वेजिव स्पीशीज है जो कि एनवायरमेंटली भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है और वो नेटिव स्पीशीज को भी थ्रेट है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है अफ्रीकन कैटफिश जो कि क्लैरियस ग्रियपैनिसिस, गैरीपैनिस, क्लैरिस गैरीपाइनस, क्लैरिस गैरीपाइनस जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी इन द एक्वेटिक कल्चर जिसे हम लोग एक्वा कल्चर बोलते हैं, पर वो जो इंडिजिनस कैटफिश है जो रिवर्स के अंदर मौजूद है उसके लिए एक थ्रेट है. तो ये जो इन्वेजिव स्पीशीज है ये बहुत ही ज्यादा इंडिजिनस स्पीशीज को खत्म कर देती है, एक्सटिंक्शन तक ले जाती है. सो पार्ट सी, कुड द एक्सटिंक्शन ऑफ स्टेलर सीकाओ एंड पैसेंजर पिजन बी सेव्ड बाय मैन, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर. स्टेलर सीकाओ और पैसेंजर पिजन जो है हमारे दोनों ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो क्या इसकी एक्सटिंक्शन मैन बचा सकता था, इसके लिए हमें रीजन बताना है. सो यस, ह्यूमंस हैव ओवर एक्सप्लॉयटेड द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर ग्रीड रादर देन देयर नीड. जितनी नीड नहीं थी उन्होंने अपनी ग्रीड में काफी ज्यादा रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉयट कर दिया है, तो इसकी वजह से जो ये एनिमल्स है इनका एक्सटिंक्शन हो गया है और सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग जो है इन एक्सटिंक्शन को बचाने में मदद कर सकती है कि हम कुछ चीजें आगे वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ दे, कुछ रिसोर्सेज आगे वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ दे. तो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग एक वर्ड होता है जिसकी मदद से हम एक्सटिंक्शन को रोक सकते हैं और हम सस्टेनेबली जो है रिसोर्सेज को यूज करें, आगे वाली जनरेशन को दिमाग में रखते हुए हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करें. ठीक है,
Question 11th. The image shown below is of a sacred groove found in India. Explain how has the human involvement helped in the preservation of these biodiversity rich regions. तो ये नीचे है ये एक sacred groove की है photo. इसमें हमें explain करना है कि human involvement ने कैसे जो है preservation करने में मदद की है इन biodiversity regions की. ठीक है, पार्ट भी हम लोग बाद में देखेंगे. सो इंडियाज हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन, इट एम्फसाइजेस दैट प्रोटेक्ट करना है हमने नेचर को. हमारे कल्चर के अंदर, हमारे ट्रेडिशन के अंदर हमें ये सिखाया जाता है कि नेचर को अगर हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे तो ही नेचर हमें नर्चर करने में मदद करेगा, है ना, हमें यहाँ पे सर्वाइवल करने में मदद करेगा. अगर हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो नेचर हमें बहुत ही बुरा डिस्टर्ब करेगा. तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं. सो इन मेनी कल्चर्स ट्रैक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट दे आर सेट असाइड, और जो ट्रीज हैं और जो वाइल्ड लाइफ है उनको वेनरेटेड और गिवन करते हैं टोटल प्रोटेक्शन, उनको टोटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है. तो काफी जगह पे क्या होता है, जो फॉरेस्ट के ट्रैक्ट्स होते हैं उनको साइड करके जो वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है उधर की उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है. सो सेक्रेट ग्रूव्स इन मेनी स्टेट्स आर द लास्ट रिफ्यूजीज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स. तो काफी जगह पे ये सेक्रेट ग्रूव्स जो है काफी सारे जो थ्रेटेंड प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज है उनके लिए एक होम है. क्यों है उनके लिए एक होम, क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन उधर प्रोवाइड की जाती है. सो पार्ट बी क्या है हमारा, द वैल्यू ऑफ जेड विच इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग द स्पीशीज रिचनेस, है ना. वैल्यू ऑफ जेड जो है हम लोग स्पीशीज रिचनेस के लिए देखते हैं. सो इफ द वैल्यू ऑफ जेड इज 0.7 फॉर एरिया ए एंड 0.15 फॉर एरिया बी, विच एरिया हैज हाई स्पीशी रिचनेस एंड अ स्टीपर स्लोप. सो ये तो हमें पता चल गया, अगर जेड की वैल्यू ज्यादा है तो स्पीशीज इसमें ज्यादा है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, 0.7 वैल्यू ज्यादा है 0.15 से, तो एरिया ए की स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है और उसी का स्टीपर स्लोप है, क्योंकि जेड ही जो है हमारा स्लोप होता है. तो जिसकी जेड की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें क्या होगा, अगर जेड की वैल्यू ज्यादा है तो स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है और उसी का जो स्लोप है वो स्टीप होगा, उसी का जो स्लोप है वो स्टीप होगा. तो इसी अकॉर्डिंग जो है हमने इसका आंसर किया. बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही डायरेक्टली बुक से उठा के. आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जब बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जब मेरी वीडियोस आ जाएंगी आप देख सकते हो, उसमें मैंने ये सब बताया हुआ है, ये सब बताया हुआ है एज इट इज जो है क्वेश्चंस के अंदर आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द इमेज बिलो डिपिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये इमेज आई डोंट थिंक आपको क्लियर रहेगी. ये हमारे वेल्स हैं जहां पे हमने डीएनए डाला है. मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि ये वेल्स पता हो. ठीक है, और ये हमारा क्या है, एनोड है. तो जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हम बात करते हैं तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये क्या होता है, हमारा डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने का एक टेक्निक होती है ना. इसके अंदर क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है हम डीएनए को रन करते हैं. डीएनए जो होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जो डीएनए सेगमेंट्स जो नेगेटिवली चार्ज है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स दी एनोड, है ना. पर इसके अंदर एक साइज के ऊपर डिफरेंशिएशन हो जाता है कि जो सबसे छोटा सेगमेंट होगा वो सबसे तेज भागेगा एनोड की तरफ और जो सबसे बड़ा सेगमेंट होगा वो सबसे पीछे रह जाएगा. तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो पीछे रह गया है वो सबसे बड़ा सेगमेंट है और जो आगे भाग गया सबसे छोटा है. जैसे कि हमारी रेस के अंदर होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो पतले और छोटे होते हैं वो आगे आगे भाग जाते हैं, जो थोड़े हेल्दी होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी हेल्दी वाले सेगमेंट्स पीछे रह जाएंगे, छोटे वाले सेगमेंट्स एनोड की तरफ हमें भागते हुए नजर आएंगे, जो हेल्दी वाले हैं वो वेल्स की तरफ ही रहेंगे जहां से हमने डीएनए को इंजेक्ट किया है. सो इसमें हमने देखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द लैडर रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस लेंथ अप टू 3000 बेस पेयर. ये हमारा सीक्वेंस लेंथ है अप टू 3000 बेस पेयर. ठीक है, सो विच ऑफ द बैंड्स 1 टू 4 दे कॉरस्पॉन्ड टू 2500 बेस पेयर एंड 100 बेस पेयर रिस्पेक्टिवली. जब हम 2500 की बात कर रहे हैं तो मतलब सबसे ज्यादा बेस पेयर होंगे, सबसे ज्यादा बेस पेयर मतलब सबसे ज्यादा हैवी सेगमेंट की बात कर रहे हैं कि 1 टू 4 में सबसे ज्यादा हैवी कौन सा होगा. एनोड की तरफ वाला तो सबसे हल्का होगा, वेल की तरफ वाला सबसे भारी होगा. तो क्या हम बोल सकते हैं कि सेगमेंट 3 हमारा 2500 बेस पेयर वाला सेगमेंट है, सेगमेंट 3 हमारा 2500 बेस पेयर वाला सेगमेंट है. हाँ, क्योंकि वो सबसे भारी है. और 100 बेस पेयर जो कि सबसे छोटा सेगमेंट होगा वो कहाँ होगा, सबसे ज्यादा एनोड की तरफ होगा. तो क्या हम बोल सकते हैं सेगमेंट 4 हमारा सबसे छोटा सेगमेंट है. आंसर देखें, सो द बैंड 3 कॉरस्पॉन्ड्स टू द 2500 बेस पेयर जो कि हमने मार्क किया, और बैंड 4 जो है वो 100 बेस पेयर. रीजन मैंने आपको बता दिया, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे एनोड की तरफ और जो सबसे भारी होगा वो सबसे पीछे वेल्स की तरफ. सो नेक्स्ट
पार्ट है इसका. एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ सेपरेशन एंड ऑल्सो मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस. हमने सिग्निफिकेंस भी बतानी है और इसका प्रिंसिपल भी बताना है. सो द फ्रेगमेंट्स विल रिजोल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज. साइज के अकॉर्डिंग रिजोल्व होते हैं. सो द शॉर्टर सीक्वेंस ऑफ फ्रेगमेंट्स वुड मूव फार्देस्ट फ्रॉम द वेल. वेल से सबसे दूर जाएगा और एनोड के सबसे पास रहेगा. सो बैंड 4 विच इज 100 बेस पेयर, इट इज लाइटर एज कम्पेयर टू बैंड 3 विच इज हैवियर बींग 2500 बेस पेयर. 100 बेस पेयर वाला ऑब्वियसली जो है सबसे हल्का होगा rather than 2500 base pair वाले से, है ना. So the significance of electrophoresis is to purify the DNA fragments for use in the construction of recombinant DNA by joining them in cloning vectors. हमें इससे क्या है, अपना DNA of interest मिल जाता है जिससे कि हम उसे cloning vectors के अंदर डाल के किसके अंदर apply कर सकते हैं, recombinant DNA technology के अंदर, RDT के अंदर, ठीक है. सो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन 13, सो सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे ब्रेक अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑन बोथ द डीएनए. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं हमारे, पहले तो मॉलिक्यूलर सिजर्स होते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं हमारे, मॉलिक्यूलर सिजर्स होते हैं. सो इसमें बोला है कि कुछ कुछ जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को दोनों डीएनए सेगमेंट पे तोड़ते हैं. Such that only one end of each molecule is cut and these ends have the region of single-stranded DNA. So क्या होता है कि इससे दोनों strands पे एक-एक free end मिल जाते हैं जिससे कि हम लोग joining करवा सकते हैं. So BAMH1 is one such restriction enzyme जो कि bind करता है at the recognition sequence 5' GGATTC3' and cleaves these sequences just after the 5' guanine. 5' guanine के यहाँ पे cleave करते हैं. तो क्या हम बोल सकते हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली BAMH1 कहां पे क्लीव करता है हमारा, अगर ये हमारे दो स्ट्रैंड है ATCC3' ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो गया, तो ये दोनों ही स्ट्रैंड्स पे काटेगा. तो ये ग्वानिन के बाद काटता है, 5' ग्वानिन के बाद काटता है. तो ये यहां पे कट लगाता है. ये कहां पे कट लगाता है, ये यहां पे कट लगाता है जहां पे मैंने एरो दिया है, ठीक है. सो ए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्शन, सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है. सो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर हमने दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को कट कर दिया, सो द टू डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स विल हैव कंपैटिबल एंड्स टू रिकम्बाइन. वो दूसरे किसी सेगमेंट के साथ रिकम्बाइन करने में हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है. सबसे पहला हमें ऑब्जेक्टिव पता चल गया. नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ वेक्टर. कैसे हमारा जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इंट्रोड्यूस होता है इनटू अ वेक्टर. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या करता है, डीएनए वेक्टर का काटता है और लाइगेट कर देता है टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट. हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी काटा, हमने डीएनए वेक्टर को भी काटा और दोनों को जो है लाइगेट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज इनको ज्वाइन करता है और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट लगाता है और इससे क्या होगा कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो वेक्टर डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है. बहुत ही ईजी जो है स्टेप होता है. नेक्स्ट पार्ट, यू आर गिवन द डीएनए सीक्वेंस. ये हमें डीएनए सीक्वेंस दिया है. इफ दिस डीएनए वॉज कट विद BAMH1, हाउ मेनी डीएनए फ्रेगमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट. राइट द सीक्वेंस ऑफ दीज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स विद देयर रिस्पेक्टिव पोलैरिटी. जब हम इसको काट रहे हैं BAMH1 से काट रहे हैं तो कितने हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, दो फ्रेगमेंट्स मिलेंगे. कौन कौन से मिलेंगे, 5' A TTT GAG एंड 3' T CTCCAG, है ना, यही मिलेगा ना हमें. हाँ, हमें यही दो स्ट्रैंड जो है ये मिलेंगे क्योंकि ये 5' G के साइड में कट लगाता है. ये 5' G के साइड में कट लगाता है, यहां लगाएगा ना 5' G, तो यहां पे जो है ये कट लगाता है. तो हमें दो डीएनए स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे. सो द लास्ट पार्ट इज अ जीन एम वॉज इंट्रोड्यूस इन टू ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PVR322 एट BAMH1 साइट. एक जीन एम जो है हमें ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PVR322 के BAMH1 साइट पे जो है हमने उसे डाला. सो व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट ऑन द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, गिव अ पॉसिबल वे बाय व्हिच यू कैन डिफरेंशिएट नॉन रिकॉम्बिनेंट इनटू रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. सो BAMH1 जो है वो अफेक्ट किसको करती है, जो BAMH1 वाली साइट है वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है उसे अफेक्ट करती है. सो द रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड्स होंगे वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को लूज कर देंगे और इनएक्टिवेट हो जाएंगी हमारी ये वाली रेजिस्टेंस जीन.
तो रिकॉम्बिनेंट हम लोग नॉन रिकॉम्बिनेंट से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय प्लेटिंग इनटू अ मीडियम हैविंग टेट्रासाइक्लिन. सो द रिकॉम्बिनेंट्स उनके अंदर अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है इनएक्टिव हो गई है तो क्या वो रिकॉम्बिनेंट्स ग्रो कर पाएंगे? नहीं. सो द रिकॉम्बिनेंट्स विल नॉट ग्रो इन द मीडियम बिकॉज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इज कट. बहुत इजिली हम लोग जो है रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ठीक है, तो इसके एक इंटरनल चॉइस वाला दूसरा क्वेश्चन है. जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, एस्पेशली बीटी क्रॉप्स, बैसिलस थुरिंजिनस क्रॉप्स, दे आर नोन टू हैव हायर रेजिस्टेंस टू पेस्ट अटैक्स. जो बैसिलस थुरिंजिनस जीन्स जिस प्लांट के अंदर जाता है वो उसे क्या प्रोवाइड करता है? टॉक्सिन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, पेस्ट के अगेंस्ट. टू सब्सटेंशिएट दिस एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी वॉज कंडक्टेड इन फोर डिफरेंट फार्मलैंड्स. कौन कौन से लैंड? 1, 2, 3, 4 इसमें कंडक्ट हुई थी. Growing BT and non-BT cotton crops. So the farm lands had the same dimensions, fertility and were under the similar climatic conditions. सब कुछ same था, बस BT और non-BT crops थी. So the histogram shows the usage of pesticides on BT crops and non-BT crops in these farmlands. So जब हम इस pie chart को सब जब हम इस bar graph को देखेंगे तो BT वाला जो है हमारा dark वाला है, BT वाला जो है हमारा dark वाला है और non-BT cotton crops हमारा light वाला है. तो इसके अंदर हम क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द अबव फोर फार्मलैंड्स हैज सक्सेसफुली अप्लाइड द कंसेप्ट ऑफ बायोटेक, मतलब बीटी जो है प्रॉपरली अप्लाई किया गया है टू शो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूजेस ऑफ एग्रोकेमिकल्स. इफ यू आर टू कल्टीवेट, विच क्रॉप वुड यू प्रेफर, बीटी और नॉन बीटी एंड व्हाई? तो जब हम इस ग्राफ की तरफ देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो पेस्टिसाइड, सबसे कम जो पेस्टिसाइड यूज हुआ है वो लैंड टू के अंदर हुआ है, चाहे वो बीटी कॉटन में हो चाहे वो नॉन बीटी कॉटन में हो. सबसे कम जो है पेस्टिसाइड हमारा लैंड टू में यूज हुआ है क्योंकि उसके अंदर बीटी जो है प्रॉपरली डाला गया है, जिससे कि उसे जो है ऑलरेडी पेस्ट की रेजिस्टेंस मिल गई है, उसमें पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लैंड टू वाला फार्म है उसके अंदर बीटी क्रॉप जो है अच्छे से इनकॉर्पोरेट की गई है और हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे? बीटी क्रॉप. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमें पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं है. और पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं? दे रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल. सो बिकॉज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज हाईली रिड्यूस फॉर बीटी, द डिक्रीज ऑफ पेस्टिसाइड यूज इज ऑल्सो मोर सिग्निफिकेंट फॉर द बीटी क्रॉप. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. कॉटन बुलवर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन अदर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज द अबव फार्म लैंड वेर इन नो पेस्टिसाइड वर यूज, एक्सप्लेन वॉट इफेक्ट वुड अ बीटी एंड नॉन बीटी क्रॉप विल हैव ऑन द पेस्ट. कॉटन बुलवर्म को उसके अंदर डाला गया था. तो बीटी कॉटन के अंदर क्या होता है? क्रायजीन होता है जो कि बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजिनस से एक्सट्रैक्ट करके डाला जाता है. ये क्राइजीन क्या करता है? एक टॉक्सिन को सिंथेसाइज करता है जो कि एक टॉक्सिक प्रोटीन होता है. तो ये प्रोटीन कब एक्टिवेट होता है? जब कॉटन बुलवर्म या फिर कोई भी जो है इंसेक्ट जाता है, कोई भी पेस्ट अगर अटैक करने जाएगा बीटी क्रॉप को तो क्या होगा? वो इंजेस्ट कर लेगा उस वाले टॉक्सिन को. एल्कलाइन गट की वजह से जो क्या होगा? एल्कलाइन गट की वजह से वो जो टॉक्सिन है रिलीज हो जाएगा और वो क्या करेगा? लाइनिंग पंचिंग जो है पंचिंग करता है उसकी गट में, उसके अंदर होल्स कर देता है और डेथ हो जाती है इंसेक्ट की. मतलब जो बीटी क्रॉप्स होती है उनके अंदर क्या होता है? क्रायजीन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है एक टॉक्सिन जो कि एक्टिवेट होता है इन द एल्कलाइन गट ऑफ द इंसेक्ट. जो भी इंसेक्ट उन पे फीड करेगी उनकी एल्कलाइन जो गट है उसके अंदर जाके वो टॉक्सिन जो है एक्टिवेट हो जाएगा और वो रिलीज करेगा अपने टॉक्सिन को. उससे क्या होगा? उसके गट के अंदर होल्स हो जाएगी और वो अल्टीमेटली डाई हो जाएगा. So, however, a non-BT crop will have no effect on a cotton bollworm. The yield of the cotton will decrease. Non-BT will succumb to pest attack. तो जो नॉन बीटी क्रॉप है उसके अंदर ही वाला टॉक्सिन नहीं है तो क्या होगा? कॉटन बुलवॉर्म जब उसे अफेक्ट करेगा तो वो उसे खा जाएगा और वो जो है उनकी जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है नॉन बीटी कॉटन क्रॉप्स की, वो डिक्रीज हो जाएगी. तो बच्चों ये था हमारा CBSE सैम्पल पेपर सॉल्विंग ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी टर्म 2. ये सब्जेक्टिव पेपर का था. वी होप दैट CBSE जो है ऑब्जेक्टिव पेपर का सैम्पल पेपर भी निकाले तो हम लोग उसके भी जो है आपके लिए सॉल्यूशंस लेके आएंगे. तो ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहे अड्डा 24/7 स्कूल के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.